हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप बहुत ही बढ़िया होंगे। फ्रेंड्स, छोटे छोटे किचन टिप्स से बट बहुत ही काम का है। फ्रेंड्स, बहुत ही यूजफुल टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जिससे कि आपकी मुश्किल से मुश्किल काम आसान हो जाएगा, साथ ही साथ समय की भी बचत बहुत होगी। फ्रेंड्स, घर और किचन के काम कुछ ऐसे होते हैं जिसे करने में बहुत ही मुश्किल होता है। मैं आज आपके लिए बहुत ही यूजफुल टिप्स लेकर आई हूँ फ्रेंड्स, जो कि घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। पहला टिप्स है इस तरीके से दूर से लेकर। अक्सर किचन में जाने के बाद बहुत सारा काम हो जाता है फ्रेंड्स, और एक काम निपटाते निपटाते दूसरा काम नजर आ जाता है। अब इस काम में हमारा जो है बहुत सारा नुकसान भी हो जाता है फ्रेंड्स। तो आज जो छोटे छोटे टिप्स लेकर आई हूँ ना, आपके बहुत ही काम का है फ्रेंड्स। आप देखिए, दूध तो चढ़ा देते हैं इस तरीके से गैस चूल्हे पे और दूसरी काम में उलझ जाते हैं। तब तक हमारा दूध जो है उबल कर नीचे गिर जाता है और गैस चूल्हे भी गंदा और हमें साफ सुथरा भी करना पड़ जाता है, डबल काम बढ़ जाता है। बस हमें करना क्या है, दूध जब भी आप चढ़ाते हैं ना गैस चूल्हे पे फ्रेंड्स, तो आप एक कलछल इस तरीके से रख दें। इससे क्या होगा, दूध आपका ऊपर आएगा फिर वो बाहर नहीं गिरेगा, इसमें टच कर कर वो नीचे चला जाएगा और दूध भी फैलेगा नहीं। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। फ्रेंड्स, अगला है इस तरीके से प्याज से लेकर। प्याज को हम पहले छील लेते हैं फ्रेंड्स इस तरीके से, और ये प्याज जो है ना, इसको छीलने के बाद जो है, हम तीन प्याज यहाँ पे लिए हैं, दो प्याज इस तरीके से छीलने के बाद हम छील लेंगे आगे और पीछे जो है ना, इसको कट कर लेंगे पहले, क्योंकि प्याज जब भी आप कट करते हैं ना फ्रेंड्स, तो आपको एक बात का ध्यान रखना है कि हमें आगे और पीछे प्याज को कट कर देते हैं ना, तो इससे हमारा बहुत ही फायदा होता है फ्रेंड्स कट करने में। अब प्याज को कट करना बहुत ही मुश्किल का काम है। प्याज कट करने के लिए बैठते हैं ना तो फ्रेंड्स, झांस इसका जो है आंख में जाता है और आंख जो है बहुत ही जलन होने लगता है। तो फ्रेंड्स, हमें करना क्या है, प्याज को पहले छील लेना है, छील कर फ्रीजर में हमें रख देना है। तो हाँ, फ्रीजर में ही रखना है फ्रेंड्स इसको, बस हमें 2-3 मिनट के लिए, ज्यादा नहीं। तो आप बहुत सारे प्याज छील रहे हो तो ये टिप्स आप अपना सकते हैं, आपके आंख में थोड़ा सा भी जलन नहीं होगा और आंसू भी नहीं गिरेगा। ये टिप्स आप अपनाते हैं ना तो बहुत सारे, आप 1 किलो भी प्याज छील लेंगे और कट करेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमें करना क्या है, इस तरीके से प्याज को थोड़ा देर के लिए हमें रखना है, और प्याज तो जानते हैं कि फ्रीजर में रखने पे बहुत जल्दी ये ठंडा भी हो जाता है, और बस हमें इसे निकाल लेना है, और निकालने के बाद हमें जो है इसको आराम से कट करना है। देखिए, हम लोग को तो आदत होता है फ्रेंड्स प्याज कट करने का, थोड़ा सा भी आंख में लगता है तो चलिए काम चल जाता है, तो कभी कभी बर्दाश्त भी कर लेते हैं। और जो न्यू न्यू किचन में काम करने के लिए लड़की सब जो जाते हैं, तो फ्रेंड्स वो सब तो काटना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, वो प्याज के नाम पर ही कहते हैं नहीं हमसे नहीं कटेगा। और देखिए, पतले पतले हमें कट करना हो कोई चीज में, हमें जैसे बिरयानी बनाना हो या फिर कोई चीज में हमें डालना हो पतले पतले लंबे लंबे, तो आप इस तरीके से छीलना से छील सकते हैं और प्याज को बहुत ही बारीक आराम से कट कर सकते हैं फ्रेंड्स। अगला है चीनी से लेकर। बारिश शुरू हो गया है फ्रेंड्स, और जानते ही है कि चीनी नमक ये सब में सीलन आ जाता है, और सीलन आ जाता है तो आप देखे होंगे चिपचिपापन चीनी में हो जाता है, और चींटियां भी अगल बगल बहुत सारा चीनी के अगल बगल आ जाता है, क्योंकि बारिश में तो ये अक्सर चींटी घर में आता ही है। तो बस आपको करना क्या है, 2 लौंग लेना है, 2 इलायची लेना है, और चीनी में इस तरीके से डाल देना है। इससे क्या होगा, लौंग का जो खुशबू है उससे आपके साइड में या डब्बे में चींटी नहीं लगेगा फ्रेंड्स। अब इस तरीके से हमारे स्टेपी से लेकर है फ्रेंड्स। अक्सर कभी कभी क्या होता है, हमारे बच्चे पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के समय अचानक से कभी कभी ऐसा गलती हो जाता है फ्रेंड्स। तो घर पे तो इस तरीके से सभी के पास ये रहता ही है, तो बस हमें करना क्या है, जैसे अब टेबल पे चाय भी रहता है और इस तरीके से पेपर फैला हुआ रहता है फ्रेंड्स, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पेपर भी रहता है कभी कभी, और इस तरीके से चाय पीने के लिए देते हैं, अचानक से क्या होता है चाय पेपर पे गिर जाता है, उस समय आप क्या करें, इसको बीच से कट कर लें, और कट करने के बाद जहां पे भी आपका चाय गिरा है उस पे रख दीजिए।
इससे क्या होगा ना, आपका चाय जो है वो पूरा जो इसमें सोख लेगा और पेपर आपका ठीक हो जाएगा। दूसरा है फ्रेंड्स, कभी कभी क्या होता है, हम लोग बर्तन को धोकर अच्छे से गिलास या फिर कटोरी हो गया रख देते हैं इस तरीके से, और वो जो है एक दूसरे में इस तरीके से अच्छे से बैठ जाता है। अभी इस तरीके से कभी कभी आप देखे होंगे कि कोई ऐसा चीज है जो एक दूसरे में जाकर बैठ जाता है, चिपक जाता है, और फिर आप लाख कोशिश करते हैं वो बर्तन बाहर नहीं निकलता है फ्रेंड्स। ऐसे कटोरा भी हो जाता है, जैसे कटोरा एक साइज का होता है ना, वो भी इस तरीके से हो जाता है। या फिर आप गिलास, कभी कभी पानी उसमें रह जाता है और अंदर दूसरा गिलास चला जाता है तो एयर पकड़ लेता है। अब वो इतना जोर से पकड़ता है कि वो निकलने का नाम ही नहीं लेता है। तो वैसे हमें करना क्या है फ्रेंड्स, इस तरीके से बस आपको जो भी बर्तन इस तरीके से एक में जाकर बैठ गया है, नहीं निकल रहा है फ्रेंड्स, तो आपको बस करना क्या है, चूल्हा थोड़ा सा गैस चूल्हा जला लें, हल्का सा, ज्यादा तेज नहीं। उसके बाद आप चूल्हे पे इस तरीके से रख दें। इससे क्या होगा, अंदर का जो है वो भाप बनेगा, स्टीम बन जाएगा, और उसके गरम होते ही आप देखेंगे कि आपका जो बर्तन फंसा हुआ है ना, वो अपने आप ऊपर आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये फंसा हुआ था ना, ये अपने आप ऊपर आ गया है, तो ये बहुत ही आराम से बाहर निकल जाएगा। आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगा इसे निकालने में, और कोई मुश्किल काम भी नहीं है, आप इस तरीके से आराम से बाहर निकाल सकते हैं। तो देखिए अभी आपको दिखा रहे हूँ कैसे ये ऊपर आ गया है। ये जैसे कि नीचे बैठा हुआ था और गर्म जैसे ही ये हुआ ना, वैसे ये ऊपर आ गया है। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके से फंसा हुआ बर्तन को आप बाहर निकाल सकते हैं। कोई बर्तन आपको फंस गया है ना, तो ये ट्रिक आप जरूर अपनाएं। देखिए कितने आसानी से ये निकल गया है, तो कोई झंझट नहीं है फ्रेंड्स, बहुत ही आराम से। और ध्यान रखें फ्रेंड्स, ज्यादा देर गैस पे आप इस बर्तन को मत रखें, थोड़ा ही देर आप गर्म होगा वैसे ही आप निकाल लेंगे ना, तो फिर ये निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स है ना कमाल का आइडिया, आप जरूर बताना फ्रेंड्स कि हमारे वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, ताकि मुझे पता तो चले हमारा वीडियो कहाँ तक जा रहा है। दूसरा है इस तरीके से कुकर के ढक्कन से लेकर, अक्सर कुकर में सभी लेडीज खाना बनाते ही है, और खाना बनाते बनाते क्या होता है ना, कभी कभी आप जैसे कि दाल या सब्जी चढ़ाए हैं, अचानक से ये रबर जो होता है ना, एक जगह देखिए यहाँ पे छोटा सा रबर रहता है और साइड में तो रबर कुकर में रहता है ये फ्रेंड्स, तो क्या होता है ना, देखिए साइड का जो रबर है वो ठीक ही रहता है, और बीच में जो छोटा वाला रबर है ना, वो ही कभी कभी जो है ढीला हो जाता है, या फिर पुराना होने के बाद वो खिया जाता है। तो ये 10-20 रुपया में ये मिल जाता है फ्रेंड्स, ज्यादा इसका रेट नहीं है। तो देखिए दाल या चावल चढ़ाए हैं, उस समय यहाँ से एयर निकल रहा है, तो फिर आपको करना क्या है, उस समय तो आप अचानक से मार्केट नहीं जा पाएंगे ना, तो वैसे आपको करना क्या है, थोड़ा सा आटा का घोल कर घोल लें, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, और उसके बाद आप जो है लगा दें वहां पे, जहां से भी एयर आ रहा है वहां पे आप इस तरीके से लगा दें, बाहर निकल रहा है। तो फ्रेंड्स लगाने के बाद आपको करना क्या है, काम गैस को जलाना है। गैस इस तरीके से जल गया है, उसके बाद इसमें थोड़ा सा गर्म करना है, ताकि जो आटा हम लगाए हैं ना वो आटा इसमें सोख जाए। उसके बाद आप इस बनाएंगे कुकर में खाना फ्रेंड्स, बिल्कुल भी एयर नहीं निकलेगा और आराम से खाना बन जाएगा। आई होप आप लोग को आज का टिप्स एंड हैक्स अच्छा लगा होगा। कल मिलती हूँ।